तो वो बंदे ने वीडियो ही नहीं किया, इस बार देखता हूँ कुछ हो पता है। भाई घुमा दे फोन को, घुमा दे। अरे भाई टिकटॉक नहीं बना रहा हूँ भाई। तो गाइस अभी जैसे कि देख ही रहे होंगे पूरे तरीके से कोहरा ही कोहरा हो चुका है चारों तरफ। और भाई हम लोग अभी मैं अभी जा रहा हूँ सेंटर पर कंप्यूटर के। और वैसे देखो भाई अभी ठंडा ठंडा चल रहा है, मतलब ठंडे का मौसम चल रहा है अभी, तो इसी वजह से ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है। और वैसे भी आज का जो दिन है ना तो वो थोड़ा सा स्पेशल है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं। हाँ मैं नहीं उड़ूंगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ आज हम लोग पतंग उड़ाएंगे और उसके बाद जाके पिकनिक भी होगा, मतलब एक वैसा ही प्लान चल रहा है अभी। तो जो भी कुछ होगा तो वो तो आपको मैं दिखाई दूंगा। और वैसे ब्लॉग जो है तो वो कल या फिर परसों आप लोग जो है तो वो देखने वाले हो। वैसे भी अभी सेंटर में पहले जाते हैं और उसके बाद जाके सारा का सारा जो बातें हैं तो वो उधर करते हैं। तो जैसे कि गाइस देख ही सकते होंगे पूरे तरीके से कोहरा ही कोहरा हो चुका है, कुहासा इसको बोलते हैं बंगाली में। वैसे भी देख ही सकते होंगे कुहासा जो है तो वो इस तरीके से कुछ है। तो भाई देखो अगर सच्ची में बोलूँ तो ये जो फॉगी फॉगी वाला जो ये वेदर है ना, तो इसमें ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। और जो भी है लेकिन ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। और ट्रैफिक के वजह से थोड़ा बहुत हॉर्न का आवाज़ भी आप लोग सुनने वाले हो अभी कुछ देर बाद ही। और वैसे भी ये जो पूरे तरीके से कोहरा कोहरा जो हो के रखा है ना, तो इसमें भाई ठंडा तो लग ही रहा है। कान और नाक जो है तो वो भी पूरे तरीके से जम रहा है अभी। और इसके अलावा भाई ब्रेन जो है ना तो वो बस यही चीज़ बोल रहा है, या तो इसको एंजॉय करो नहीं तो फिर भाई कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे बॉडी हीट हो जाए जल्दी जल्दी। और मैं अभी साइकिल ही चला रहा हूँ भाई, और जैसे कि देख ही सकते होंगे भाई मैं अभी साइकिल ही चला रहा हूँ। और सामने भी देख ही सकते होंगे कुछ रास्ता जो है तो वो इस तरीके का है, बाजू में मंदिर भी है तो ऐसा ही कुछ है सीन। और वैसे दोस्तों आज से बहुत दिनों पहले मैं आपको बताया था ना कि जो ट्रिप है तो वो हमारा प्लान हो रहा है, और इधर से करीब करीब 300 से लेकर 350 किलोमीटर का जो रास्ता है तो वही है। लेकिन हाँ वो वाला ट्रिप अभी कैंसिल हो चुका है और उसके ही जगह पर हम लोग एक दूसरे जगह पर जा रहे हैं अभी। लेकिन हाँ पुरुलिया वाला जो ट्रिप है तो वो इस समय नहीं, लेकिन हाँ अगले साल ज़रूर से होगा, मतलब 2024 के ही शुरुआत में शायद से हो सकता है, लेकिन हाँ होगा ज़रूर। तो जो भी है लेकिन भाई यहाँ 2023 में हम लोग रांची जा सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ हूँ तो इसी वजह से आपको पहले ही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा हिंट दे रहा हूँ जितना मुझे पता है उतना ही। और बाकी जब भी मतलब ऐसा कन्फर्म हो जाएगा तब तो आपको मैं पूरे क्लियर तरीके से बता ही दूंगा। हाँ तो दोस्तों भाई अब पता क्लियर हो सकता है क्योंकि अब मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर सेंटर में। और उसके ही साथ साथ भाई इधर जो कुछ बातें हैं ना तो वही अभी मतलब जो है तो वही मुद्दा है मेन, मतलब आज के वीडियो का। और वो है कि देखो पहले बात तो आज है मकर संक्रांति, और इसी मकर संक्रांति में हर एक लोग सेलिब्रेट करो भाई, क्योंकि आज का जो दिन है ना तो वो दिन में गंगा स्नान तो करते ही है, और उसके ही साथ साथ और भी कई सारे जो रिचुअल्स होते हैं तो वो भी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही अमेजिंग तो है ही। बाकी तो भाई आज हम लोग घूरी जो है मतलब जो काइट है तो वो ही, या फिर जो पतंग है, मतलब तीनों मतलब लैंग्वेज में ही मैं बोल दिया, जो भी है लेकिन हाँ ये चीज़ को हम लोग अभी उड़ाने वाले हैं। तो जो भी है लेकिन हाँ भाई पूरे दिन आज बस यही करने वाला हूँ, और इसी दिन के बाद एक पिकनिक का प्रोग्राम भी हो रहा है, तो पिकनिक वाला जो सीन है तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ सीन है, तो भाई अभी मार्ट की तरफ जाते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा कुछ घुड़ी मतलब उड़ रहा है, और उसके ही साथ साथ मतलब कैसा कुछ पतंग उड़ रहा है, और उसके ही साथ साथ कितने लोग जो है तो वो पतंग को उड़ा रहे हैं और किस तरीके से, और कुछ फन भी होता है या फिर नहीं वो भी देखते हैं। तो चलो चलते हैं अभी। तो गाइस मार्ट में अभी आ चुका हूँ और देख ही सकते होंगे इधर बहुत सारे लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं जो कि जो पतंग है तो वो उड़ा रहा है। तो इधर देख ही सकते होंगे एक और है, 2023 लिखा हुआ है क्या, 2023। और पिकनिक का भी जो पूरा का पूरा सीन है तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो उधर पिकनिक भी हो रहा है उधर कोने में, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक भाई जो है इधर बैठे हुए हैं, वैसे इनका ही अभी रिव्यू मैं लेने वाला हूँ। भाई तू पहले ये बता कि वो जो फ़ोन तेरा मतलब जो ख़रीदा तूने, तो वो फ़ोन का एक्सपीरियंस कैसा लगा, और फ़ोन थोड़ा सा दिखा दे। फ़ोन तो भैया मस्त है, फोन चलता है अभी दमादम। ये देखो ये वो फ़ोन है, और इसका जो अनबॉक्सिंग है तो वो अभी आप लोग देखने वाले हो।
वैसे इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा लगा वीवो का? बहुत मस्त। और क्वालिटी तो हाँ, कैमरा क्वालिटी बम्पर है, सेल्फी और रियर दोनों में ही बम्पर है, दोनों में ही तो बढ़िया है। मेन बात जो है फुलफिल कर रहा है। तो भाई कितना पैसा लगा तो ये जो फोन है ये खरीदने में? मैंने कैश पे लिया है 12,000 का, और इसका ये जो कवर है कवर, और ये टेम्पर ग्लास लगाया था मैंने 6D वाला, तो उसमें मेरा 300 आ गया। 300 आ गया तो कुल मिला के जो हुआ वो सस्ते के अंदर अंदर हो गया, हो गया। मतलब वैल्यू फॉर मनी ही था एक प्रकार से। और पिकनिक का जो सीन है तो वो उधर हो रहा है, और वो पिकनिक का भी कुछ ना कुछ दिखाई दूंगा आपको। तो गाइस अभी जो है ना, तो वो ओरिजिनल वाला आप लोग देखने वाले हो, मतलब कितने लोग हैं एक साथ इधर घुड़ी उड़ा रहे, मतलब पतंग उड़ा रहे, तो अभी देखने वाले हो आप लोग। देख सकते होंगे गाइस भाई कितना सादा लोग है भाई इधर, कितना सादा, और हर एक लोग घुड़ी उड़ा रहे। देख ही सकते होंगे आसमान में वो मतलब भर भर के है जो पतंग है, तो वही, और हर एक कलर का और हर एक टाइप का पतंग है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा भाई म्यूज़िक आ रहा है तो इसी वजह से कॉपीराइट का इशू है थोड़ा सा। तो भाई इधर देख ही सकते होंगे इधर मतलब कितने लोग हैं एक साथ, और बार बार पैर में जो है तो वो जो धागा है तो वो देख ही सकते होंगे भाई फंस रहा है। और इधर भी देख ही सकते होंगे लोग जो है तो वो कोई कोई लोग पतंग उड़ा रहे हैं और कोई कोई लोग उसको लूट रहे हैं जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो बहुत सारा लोग है इधर, और इस भाई को भी मैंने लेके आया। तो अपना जो जान पहचान वाला है किधर, तो वही बस अभी ढूंढ रहा हूँ। इधर तो बहुत सारे लोग मिल ही चुके हैं वैसे, और हम लोग अभी वही ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे भाई उधर जो है तो उधर बहुत सारे लोग हैं, तो वही हम लोग अभी जाने वाले हैं, मतलब उधर ही जाने वाले हैं। तो आज का जो दिन है ना, तो इसी दिन में कोई कोई व्यक्ति जो गंगा में जो है तो वो स्नान करते हैं। तो इधर देख ही सकते होंगे भाई ये बंदा जो है, तो ये तेरा ही है ना भाई? देख ही सकते होंगे भाई बहुत सारा कुछ पतंग लेके आया है, और इधर भी बहुत सारा कुछ है। तो भाई इधर से और एक जगह पर जा रहा हूँ अभी, उधर कुछ दोस्त लोग हैं मेरे। ब्लॉगिंग चेष्टा করছি যদি হয়। সামনে ও তো হাই 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 এটা ভি একবার ব্লগ করি ভাই। আমি আসছে না। एक कोशिश करूंगा भाई, पिछली बार मैंने घुड़ी उड़ाया था, पतंग उड़ाया था, तो वो बंदे ने वीडियो ही नहीं किया। इस बार देखता हूँ कुछ हो पता है। भाई घुमा दे फोन को, घुमा दे। अरे भाई टिकटॉक नहीं बना रहा हूँ भाई, लंबा वीडियो है। इधर और एक भाई भी है जो कि अभी बांध चुके हैं घुड़ी को, और अभी उड़ाएंगे मतलब पतंग को। और इधर ये भाई भी अभी पतंग जो है तो वो उड़ाने वाले हैं। जल्दी जल्दी उड़ा दे भाई इस घुड़ी को, मैं देखना चाहता हूँ मंगल ग्रह पर चला गया है। अब वो भाई का घुड़ी जो है तो वो चांद पर चला गया है। वैसे भाई वीडियो को देख के कोई रोस्ट मत कर देना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रोस्ट कर देगा मेरा बातें सुन के। हे भाई আপনি কিছু বলতে চান ঘুড়ি ওড়ানোর সম্পর্কে? ঘুড়ি লুটছি আর কিছু। तो गाइस भाई जो भी बोलो आज का दिन जो है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है जा रहा है, मतलब अभी के समय से, मतलब पहले तो भाई कंप्यूटर सेंटर पे था, बाकी अभी कुछ ऐसा ही सीन है कि इधर जो पतंग है तो वो उड़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ और लूट भी रहा हूँ, मतलब मैं नहीं बहुत सारे लोग लूट रहे हैं। और इसके अलावा देखो भाई अभी हमको पिकनिक पर भी जाना है, तो इस जगह से अभी हम लोग जाने, मतलब हम नहीं मैं जाने वाला हूँ अभी, और बाकी तो बहुत सारे लोग रहेंगे इधर जिनको फिर से आके हम लोग मिलेंगे, मतलब मैं मिलूँगा इनके साथ। और कुछ ऐसा ही सीन है कि चलो चलते हैं भाई। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे अभी हम लोग आ चुके हैं पिकनिक स्पॉट पर, और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये दादा जो है तो ये बॉक्स को थोड़ा सा मतलब ट्यूनिंग कर रहे हैं भाई बढ़िया तरीके से बजाने के लिए। और उधर जो जो क्या बोलते हैं कुकिंग जो है तो वो हो रहा है, और देख ही सकते होंगे मैं अभी आ चुका हूँ। और इधर अभी कुछ ही देर बाद और भी कुछ कुछ होगा जो कि बाद में दिखाऊंगा। वैसे अभी ये गाना को थोड़ा बजाएंगे तो इसी वजह से।
इस वाले वीडियो को एंड करने का समय अभी हो चुका है और ये वाला जो वीडियो है ना तो ये अभी इधर ही एंड करते हैं। वैसे वो जो पिकनिक था या फिर जो घुड़ी उड़ाना था, मतलब जो पतंग उड़ाना था, तो वो दोनों ही चीज शाम तक ही खत्म हो चुका था और उसके हिसाब से मेरे फोन का भी जो बैटरी है ना तो वो भी खत्म हो ही चुका था और उसके हिसाब से मेरा जो एनर्जी है ना तो वो भी खत्म हो चुका था। तो इसी वजह से ये वाला जो वीडियो है ना तो ये अभी इधर इस समय पर इस सिचुएशन में एंड कर दिया है। तो ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना इस वाले चैनल को। और सब्सक्राइब करने के लिए भाई इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।